थैंक यू और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और दर्शक लोग को भी। तो ये तीन बहुरानियाँ न्यू ईयर में जो हमारे पास ये मूवी आई, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और रही बात आया जी के साथ काम करने की, तो ये तो टैलेंटेड हैं ही और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, इनके अपोजिट काम कर रही हूँ। थैंक यू। स्क्रीन पे रियली दिखना अच्छा लगता है, पब्लिक को यही अच्छा लगता है कि हम रियल में दिखें, कि जो हमारा किरदार है रियल में लगना चाहिए। अच्छी फिल्म बन रही है। अभी मैं बात भी कर रहा था हमारे एक डायरेक्टर से अपने, तो कि जैसे हमारी जो है भोजपुरी जो क्षेत्रीय फिल्म है, क्षेत्रीय भाषा, साउथ बंगाली मराठी जो भी साउथ की जितनी भी तमिल तेलुगू कन्नड़ मलयालम सारी क्षेत्रीय हैं, तो वो जब फिल्में बनाते हैं तो वो ऐसा फिल्म बनाते हैं, लेवल मेंटेन करते हैं कि उच्च वर्ग भी देखे, मध्यम वर्ग भी देखे और निम्न वर्ग भी देखे, मतलब जो शिक्षित हैं अशिक्षित हैं दोनों देखते हैं। लेकिन जब हम फिल्में बनाते हैं तो बहुत सारे हमारे जो है लोग ऐसे बोलते हैं कि हम ऐसी फिल्में इसलिए बनाते हैं कि थोड़ी सी लो कैटेगरी की, हमारे दर्शक जो है थोड़ा सा अशिक्षित हैं, तुम्हारे दर्शक जो है गरीब हैं। तो क्या गरीब महाराष्ट्र में नहीं है? क्या गरीब साउथ में नहीं है? क्या गरीब बंगाल में नहीं है? तो वो इतनी मतलब इस टाइप की टिपिकल फिल्म क्यों नहीं बनाते? तो हमारे कहने का मतलब है कि फिल्में हमें थोड़ी सी जो है चेंज ओवर बनाते रहनी चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव है बिल्कुल है, एक फैमिली ड्रामा है, एक फैमिली फिल्म है, तो बननी चाहिए, फैमिली फिल्म बननी चाहिए। इसमें हिंदी भोजपुरी दोनों वर्जन है इसमें, वो तो लैंग्वेज की अलग चीज है और बहुत अच्छी। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फिल्मों में बदलाव का मीन्स जो है कि बदलाव क्या होता है, कुछ नहीं होता। कहने का सेंस ये होता है कि जो भी चीज़ होता है हमारे हर फिल्म में भी, साउथ की फिल्म हो चाहे हमारी जो है बॉलीवुड की फिल्म हो या हॉलीवुड की फिल्म हो, सब में वही तीन चीज़ होती है, हीरो हीरोइन और विलन, ये तीन ही होती, इन्हीं परिधि पे घूमती रहती है। डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, तीनों में वही होते हैं, कौन कहाँ से कैसे घुमा देता है वही माने रखता है और क्या। तो अच्छी स्टोरी है और फैमिली ड्रामा है और कॉमेडी भी है, फैमिली में थोड़ा सा पब्लिक को जो है हंसाने के लिए, मनोरंजन के लिए। और सभी जो है हमारे जो है एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं सभी अच्छे काम कर रहे हैं, डायरेक्शन टीम भी अच्छा काम कर रही है, जो टेक्नीशियन है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और टीम वर्क है इसमें जो है। जब सब मिल के काम करते हैं तभी अच्छा होता है, सिर्फ मैं अच्छा कर दूँ आप अच्छा नहीं करोगे, आप अच्छा कर दूँ मैं अच्छा नहीं करूँगा तो नहीं हो पाएगा, दैट्स अ टीम वर्क है। तो सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और नो डाउट ईश्वर अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी फिल्म बन के निकलेगी। मधु जी के साथ जो है हमारी पहली फिल्म है और बहुत हंसती बहुत है। हाँ जी, तो हंसी था, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती। हाँ हाँ, मधु जी काफ़ी अच्छी लग रही है। अरे थैंक अच्छा? यू मुझे देख के ऐसी कैमरा देख आपको देख कर। अरे थैंक यू सो मच। नो डाउट मधु जी अच्छी हैं और हंसती रहती हैं, और हीरोइन का जो सबसे बड़ा कला होना चाहिए ना मेरे समझ से, वो स्माइली फेस होना चाहिए, हंसते रहो खुश रहो, क्योंकि जब दर्शक आते हैं ना तो उनको जो है एक जो है एक हंसता हुआ चेहरा, क्योंकि हीरो तो कभी चिल्लाता है कभी मारता है कभी मराता है, लेकिन जो हीरोइन ऐसी चीज़ है कि जो है दर्शक उसको चाहते हैं कि उसके जो चेहरे पर जो है ना हमेशा जो है गुलाब की तरह खिला रहे। हाँ तो आप गुलाब की तरह खुश रहो खिलखिलाती रहो, रियल लाइफ में मैं ऐसे ही हूँ, नेचुरल है ये सब। नहीं गुलाब की तरह हो कि गेंदा की तरह, कमल की तरह, वो अपनी बुराई तो कोई कर नहीं सकता, वो तो दर्शक बताएंगे ना मैं कैसी हूँ उनके लिए। वो दर्शक तो बताएंगे ही, वो कमेंट्स में जब बताएंगे या जो भी जब चैनल पे आएगा, कमेंट्स वगैरह में तो मुझे लोग अच्छा ही बोलते हैं, मैं अच्छी हूँ, मेरे अंदर ईगो नहीं है, गेंदा का फूल हो कि गुलाब का फूल हो कि कमल का फूल हो, कमल का फूल हो जो कीचड़ में भी खिला ही रहता है, तो मैं कमल का फूल हूँ। मैं गेंदा चाहे जे करब चढ़ जाए। अबे चढ़ हाँ सबके लिए मतलब वो अवेलेबल हैं।